वेलकम टू द अनदर वीडियो सेशन ऑन अजर डेवऑप्स सीरीज। तो आज के वीडियो में जानेंगे कस्टम फील्ड्स ऑफ अ वर्क आइटम इन अजर डेवऑप्स। किस तरह से आप कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं अजर डेवऑप्स में अंडर इनहेरिटेंस प्रोसेस, तो उसके बारे में जानेंगे। ये मैंने एक मीत उस्ताद नाम का एक बनाया था कस्टम प्रोजेक्ट, आप उसके अंदर आप देखेंगे ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे इम्पीडेंट पड़ी हुई है। लेट्स गो विद द इम्पीडेंट ओनली। मैं इम्पीडेंट में क्लिक करूँगा। यहाँ पे न्यू फील्ड का ऑप्शन है, न्यू ग्रुप का ऑप्शन है, न्यू पेज का ऑप्शन है। लेट्स गेट अ न्यू पेज। अब इसका नाम रखूंगा मीत उस्तादगिरी। मैं इसको ऐड पेज पे क्लिक करूंगा। अब मैं अगर इसको मैं रीलोड करूंगा, आई थिंक आई विल बी गेटिंग वन मोर पेज। यहाँ पे डिटेल्स के साइड में होगा, आई थिंक मीत उस्ताद नहीं है। आई थिंक इम्पीडेंट ओनली मैंने चूज किया था। अच्छा न्यू इसका अलग है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, कस्टम फील कर देता हूँ। रैंडम को ऐसे मैं डाल देता हूँ, टेक्स्ट सिंगल लाइन कर दूंगा मैं, और इसको मैं ठीक है ऑप्शंस में क्या कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, इसको लेआउट चूज कर सकता हूँ। मीत उस्तादगिरी में जाएगा, लेवल ये होगा, क्रिएट अ न्यू ग्रुप कस्टम एग्जिस्टिंग ग्रुप काइंड ऑफ स्टफ लिखा हुआ है, ये आर एच सी ग्रुप है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आई थिंक दिस टाइम आई शुड हैव, देख रहे हैं मीत उस्तादगिरी है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर डाल के रखिए ना, तो मैं ऐसे ही कुछ डाल दूंगा, मेरा ये वेरिफिकेशन एरर चला जाएगा। तो इस तरह से मैं इस वाले में जा सकता हूँ, अलग पेज बना सकता हूँ, या फिर डिटेल्स वाले में कुछ शेयर चार कर सकता हूँ। डिटेल्स वाले में न्यू करता हूँ, न्यू ग्रुप में आई थिंक आई शुड हैव सम इंफॉर्मेशन कुछ डाल देता हूँ, इस तरह से इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। टेक्स्ट लाइन कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं यहाँ पर टेक्स्ट मल्टीपल लाइन कर सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टफ। डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, ऑप्शन में मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, रिकॉर्ड है कि नहीं। बाय द वे मैं रिकॉर्ड यहाँ पे डालूंगा, बीच में डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, कहीं भी डाल सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बीच वाले में ऐड फील्ड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन नामक कुछ ऐसा फील्ड हो गया। आई थिंक ये इधर आएगा इस वाले में, आई थिंक मैं सेव करूंगा, इसके बाद में रीलोड करूंगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरा इस तरह से आ गया। मैं चाहूँ तो इसका लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ, अगर मेरे को मन करे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाऊँगा, एडिट करूंगा, लेट्स डू इट हेयर। ठीक है, सेव कर दूंगा इसको मैं। इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं ये कहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा कस्टम इन्फॉर्मेशन में, कस्टम पड़ा हुआ है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसे डाल सकता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन चीज़ें काइंड ऑफ स्टफ, आई कैन राइट इट हेयर। मैं डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं न्यू ग्रुप करना है तो मैं न्यू ग्रुप भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नया ग्रुप कर सकता हूँ। आई थिंक आई शुड हैव डिटेल्स पेज में डालता हूँ, और ये क्या करता हूँ, विकी में कुछ डाल देता हूँ, और मैं ऐड ग्रुप कर देता हूँ। आई थिंक दिस टाइम किस तरह से होगा, इफेक्ट में कुछ चेंज होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप के अंदर कुछ होना भी चाहिए ना, तो लेट्स डू वन थिंग। ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया, मैं न्यू फील्ड कर सकता हूँ। न्यू फील्ड डालने के लिए मैं ऐसे ही कुछ रैंडम डालूंगा, एक लाइन का फील्ड डालूंगा, ऐड फील्ड कर दूंगा, और उसका नया ग्रुप क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। आई थिंक नीचे मेरा ये लिख के आएगा न्यू ग्रुप में। अच्छा विक्रम का नाम कुछ है इसका, इसका एक वन लाइन का है, इसका एक विकम में मेरा, ये मेरा क्या बोल सकते हैं, एक ग्रुप क्रिएट हो गया विकम नाम का। ठीक है, तो इस तरह से मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंट, या फिर कुछ इसे फील्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिलीट दिस इन्फॉर्मेशन टाइप, फॉर एग्जांपल मैं कस्टम टाइप को हटा देता हूँ, ठीक है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं मूव ऑफ भी कर सकता हूँ, ऐसा करिए मूव ऑफ कर दूंगा मैं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन को नीचे कर देता हूँ। चलो पहले नीचे कर देता हूँ, फिर उसको डिलीट भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन मेरा नीचे आ जाएगा। आप देखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन नीचे आ गया, अपना स्टाइल ऊपर चला गया। तो मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन को डिलीट कर सकता हूँ, आई कैन डिलीट इट बिकॉज इट्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल फ्रॉम द टेम्पलेट, तो उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। जो चीज़ मैंने बनाई है वो मैं डिलीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं रिमूव पर क्लिक करूंगा, कन्फर्मेशन मांगेगा, डिलीट कर दूंगा। इस बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इन्फॉर्मेशन वाला चला गया। तो इस तरह से मैं डिफरेंट वर्क आइटम्स के मतलब क्या बोल सकते हैं, कस्टमाइज कर सकता हूँ वर्क आइटम को। इसको मैं थोड़ा वो मीत उस्ताद है, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, आई थिंक आई कैन ड्रैग इट, आई कैन ड्रैग इट वहाँ पे। ठीक है, डिटेल्स वाला फिक्स, डिटेल्स वाले को मैं मूव नहीं कर सकता। बाकी जो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, मीत उस्ताद का नाम चेंज कर सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई कैन डू दैट। रूल्स भी सेट कर सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टफ, न्यू रूल क्लिक करूंगा मैं, कंडीशन काइंड ऑफ स्टफ, वेयर द कंडीशन इज एप्लीकेबल, वर्क आइटम मैसेज चेंज टू, दैट काइंड ऑफ स्टफ आल्सो आई कैन डू दैट। तो इस वीडियो में जाना किस तरह से आप समाइज वर्क आइटम कर सकते हैं, मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।